हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरे देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं लिक्विड क्रिस्टल एग्जांपल्स। जो आज का अपना वीडियो है वो आपके द्रव क्रिस्टल जो है उसके अपन एग्जांपल की बात करेंगे, या फिर अपन ये कहेंगे कि जो आपकी मीजोमॉर्फिक कंडीशन है उसके जो एग्जांपल्स हैं उनके अपन यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, अपने कल है अपन ने बात की थी कि भी मीजोमॉर्फिक कंडीशन क्या होती है, कि जब आपका कोई ठोस और जब वो आविल द्रव्य में परिवर्तित होता है तो ठोस और आविल द्रव्य है तो उसकी जो मध्य की कंडीशन होती है उस कंडीशन को मीजोमॉर्फिक कंडीशन कहते हैं, या उसकी जो अवस्था है वो अपन कहेंगे। और साथ में अपन ने कल देखा था कि बेकर की जो आपका ठोस है वो पहले आविल द्रव्य में चेंज होता है, आविल द्रव्य आपका किसमें चेंज होता है, स्वच्छ द्रव्य में चेंज होता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस थी ये द्रव क्रिस्टल को क्या कर रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी। आज अपन यहाँ पर जो है इन्हीं से रिलेटेड ऐसे एग्जाम्पल्स की बात करेंगे जो आपकी किसको एक्सप्लेन करेंगे कि एक तो आपकी ये कंडीशन किस तरह से बनाएगी, और साथ में देखेंगे कि भी इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं वो इसमें आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। और एक आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है कि इस वीडियो के अंदर जो है अपने संक्रमण ताप भी हैं वो भी बात करेंगे। तो अपने देखिए संक्रमण ताप से रिलेटेड कल बात की थी कि जब आपका वो न्यूनतम ताप जिस पर क्या है कि आपका ठोस है वो आविल द्रव्य में बदलता है, और आविल द्रव्य आपका जो है किसमें चेंज होता है, स्वच्छ द्रव्य में चेंज होता है, ऐसा ताप संक्रमण ताप कह दें या क्रांतिक ताप कह दें उनको कहलाता है। तो यहाँ पर अपन आज इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपके द्रव क्रिस्टल से रिलेटेड एग्जाम्पल है उसमें जो कंडीशन बताई है, सबसे पहले बताइए कि सामान्यतः जो दीर्घ लंबी श्रृंखला है उसमें कुछ ऐसे यौगिक, जैसे अपन बात करें एक तो आपका दिया है उसकी लंबी श्रृंखला, कि आपकी जो लंबी दीर्घ श्रृंखला है इस लंबी दीर्घ श्रृंखला में आपका एक तो कंपाउंड है आपका सी डबल बॉन्ड ओ आर, ठीक है, या फिर इस तरह से लिख दें इसको कि क्या पाया जाता हो, एस्टर समूह उपस्थित हो। तो यहाँ पर इस तरह की जो होंगे वो इसमें आपके एग्जाम्पल आपके बात करेंगे द्रव क्रिस्टल में वो उपस्थित होंगे। दूसरी बात करें इसी की तरह पर बात करें कि अगर आपकी इससे रिलेटेड फॉर एग्जाम्पल हो जिसको पर अपन क्या बोलते हैं इसको ईथर, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि वह दीर्घतम लंबी श्रृंखला जिसमें एस्टर और आपके जो ईथर है इनसे बने यौगिक अगर उपस्थित हो तो उनमें आपको मीजोमॉर्फिक कंडीशन कह दें, या फिर आपकी जो लिक्विड कंडीशन आपके हैं अवस्था वो देखने को मिलती है। और यहाँ पर ये जो कंडीशन है उनमें ज़रूरी नहीं है कि ये समूह भी हो, इसके अलावा भी हैं कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक दिए गए हैं जिनके द्वारा अपन ये कह सकते हैं कि इनमें भी क्या है मीजोमॉर्फिक कंडीशन है बनाए जा सकते हैं। तो अपन यहाँ पर कुछ है इससे रिलेटेड आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करें अपन ने कहा कि भी दीर्घ लंबी श्रृंखला में या तो आपका एस्टर उपस्थित हो या फिर दूसरा जो आपका ईथर है वो उपस्थित हो तो आपके क्या के लिए लिक्विड क्रिस्टल करें। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल भी हैं जो आपके कार्बनिक जो कंपाउंड है उनके मध्य उपस्थित होंगे और उसके द्वारा भी क्या किया जाएगा मीजोमॉर्फिक कंडीशन द्रव क्रिस्टल अवस्था बनाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए जब आपके एक तो क्या उपस्थित हो कार्बन कार्बन के मध्य आपका इस तरह से डबल बॉन्ड उपस्थित हो, या फिर आपने बात करें जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन उनके मध्य इस तरह से बंद देखने को मिले, इसी तरह से बात करें कि आपका जो कार्बन कार्बन बंद है उसमें भी क्या किया जाए अगर कंपाउंड फॉर्मेशन देखने को मिलता है कि जो ऑर्गेनिक श्रृंखला है उस श्रृंखला के अंदर आपका क्या देखने को मिलता है, इस तरह का कंपाउंड या फिर इस तरह से कोई कंपाउंड है वो उपस्थित होता है और वो
ध्रुवक्रिस्टल है उसके एग्जांपल्स का फॉर्मेशन करता है। ये अपन कहते हैं कि मीजोमॉर्फिक कंडीशन आपकी किसी भी लंबी श्रृंखला वाला जो यौगिक होगा उसमें क्या करता है, आपकी उपस्थित होकर आपकी यौगिक बनाएगा। अब यहाँ पर देखिए बात क्या है, तो जो आपकी लिक्विड क्रिस्टल है इस लिक्विड क्रिस्टल का ना जो फर्स्ट एग्जांपल है वो आपके हैं कोलीस्टीरिल बेंजोइड, कोलीस्टीरिल बेंजोइड ये इसका सबसे प्रथम प्राप्त आपका लिक्विड क्रिस्टल है। अब यहां पर बात करें इसमें इसके जो फॉर्मूला है कि इसमें क्या क्या कंपाउंड हो सकते हैं, तो यहां पर बात करें C6H5COOC। अब देखिए यहां पर आपको चीज जो ध्यान रखनी है कि अपन ने क्या बात की है कि लंबी कार्बन श्रृंखला पाई जाएगी, तो C27H45 ये जो कंपाउंड है ये आपका क्या कहलाता है, कोलीस्टीरिल बेंजोइड है, जो पहला लिक्विड क्रिस्टल से रिलेटेड आपका एग्जांपल है जिसमें आपको मीजोमॉर्फिक कंडीशन देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए बात करें कि कोलीस्टीरिल बेंजोइड है, इसमें अगर अपन बात करें तो दीर्घ लंबी श्रृंखला है, उसमें आपकी बात करें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ईथर और एस्टर, इन तीनों में से अगर अपन देखें तो जो आपका एस्टर ग्रुप है वो क्या है, इसमें आपका उपस्थित है कि एस्टर ग्रुप है उसके द्वारा ही इसमें क्या की गई है, जो आपकी लिक्विड क्रिस्टल है या मीजोमॉर्फिक कंडीशन बनाई गई है। साथ में देखिए बात करें अपन यहाँ पर कि यहाँ पर जो एल्किल लंबी श्रृंखला थी वो देखिए आपके इसमें इस तरह से है कि भी यहाँ पर बेंजीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए बेंजोइड, ठीक है, और ये आपकी दीर्घ लंबी श्रृंखला इसमें अपन बोल सकते हैं, जो यहाँ पर अपने आर डैश के रूप में लिखी और यहाँ पर C27H45 के रूप में एक्सप्लेन की है। अब यहाँ पर देखिए इस कंपाउंड से रिलेटेड अपन बात करें तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जो कोलीस्टीरिल बेंजोइट है, ये कोलीस्टीरिल बेंजोइट जो यौगिक है इसके लिए बात करें तो आपका एक तो इसमें बात करें इसकी संक्रमण ताप के लिए और दूसरी इसमें बात करें इसका इसका क्या बात करेंगे, दूसरा इसका गलना, तो यहां पर देखिए इसका जो संक्रमण ताप है वो आपके 145 सेंटीग्रेड है, वो इसका क्या है यहाँ पर संक्रमण ताप है। और इस संक्रमण ताप की अगर अपन बात करें तो कोलीस्टीरिल बेंजोइट है संक्रमण ताप पर ठोस से किस में बदलेगा, आवी द्रव्य के अंदर परिवर्तित होगा, तो यहां पर ये क्या करेगा आपके आवी द्रव्य का निर्माण करेगा। अब देखिए आवी द्रव्य अपन ने कल बात की थी कि सामान्यतः ये अपारदर्शी पदार्थ का विलयन होता है जो इसमें आपके चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर ये इसमें देखने को मिलता है। फिर बात करें कि इसमें इसके लिए जो गलनांक है, ठीक है, इसका गलनांक 178 सेंटीग्रेड आपको इसमें देखने को मिलता है, जिसमें आपका जो आवी द्रव है वो किसमें बदल जाएगा, स्वच्छ द्रव में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर अपन बात करें कि कोलीस्टीरिल बेंजोइट है इसके लिए बात करें तो ये तो पहले तो ध्यान रखना है कि फर्स्ट एग्जांपल इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज बात करें कि भी इसमें ये फॉर्मूला आपको इसमें देखने को मिलता है, इसकी मॉलिकुलर जो आपकी आपकी अवस्था है वो देखने को मिलेगी। दूसरी बात करें कि भी ये जो संक्रमण ताप है इसके लिए 145 सेंटीग्रेड होता है और इस ताप पर क्या है ये आपके आवी द्रव्य में बदलता है, और फिर इसमें गलनांक की बात करें तो 178 सेंटीग्रेड पे ये क्या हो जाता है, आवी द्रव्य से स्वच्छ द्रव्य में क्या हो जाता है, आपका परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर जो मेन कंडीशन है अपन ने बात की कि कोलीस्टीरिल बेंजोइट के अंदर ये चीज देखने को मिलती है। अब इसके अलावा भी अपन देखिए और बहुत सारे एग्जाम्पल बात करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन इसमें जो कोलीस्टीरिल बेंजोइट है
उसमें ये अवस्था किस तरह से बनाई जाती है अपन उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपके सीक्वेंस से कुछ है आपके जो आपके इक्वेशन है वो इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, जिससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि किस तरह से ये चीज आपके उपस्थित है। तो यहाँ पर अपन बात करें, ये आपका है पॉलीस्टिरीन बेंजोएट, यहां पर बात करें संक्रमण ताप कितना है 145 सेंटीग्रेड, और साथ में देखेंगे भी ये किस किस में होता है, ठोस अवस्था है तो ठोस से किस में बदलेगा, पॉलीस्टिरीन बेंजोएट में, तो पॉलीस्टिरीन बेंजोएट है वो यार तो किस उपस्थिति में है, तो यहां पर कह दें वो आपके द्रव अवस्था में, ठीक है। अब ध्यान रखना है ये द्रव अवस्था द्रव क्रिस्टल के रूप में होगी, किस रूप में होगी, द्रव क्रिस्टल के रूप में, या फिर कह दें आपके मीजोमॉर्फिक अवस्था, ये किस रूप में है, मीजोमॉर्फिक अवस्था के अंदर यहां पर क्या है आपका उपस्थित है। नेक्स्ट यहां पर बात करें कि भाई यहां पर ये जो है वापिस दूसरे संक्रमण ताप तो कितना है आपका 178 सेंटीग्रेड, तो इस पर क्या होगा, ये वापिस चेंज होगा और यहां पर क्या बनाएगा, पॉलीस्टिरीन बेंजोएट। सामान्यतः ये पॉलीस्टिरीन बेंजोएट है ये क्या होता है, स्वच्छ द्रव में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, यहाँ पर ये स्वच्छ अवस्था में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो पॉलीस्टिरीन बेंजोएट है इसमें क्या देखने को मिलेगी कि जो आपका ठोस है वो आविद द्रव में बदलता है, आविद द्रव में आपका स्वच्छ द्रव में बदलता है, जो आविद द्रव होगा या अपन कह दें इसकी जो है द्रव क्रिस्टल अवस्था है तो ये आपकी मीजोमॉर्फिक कंडीशन कहलाती है। और सामान्यतः अपन बात करें कि यहाँ पर जो आपका आपका जो द्रव है वो क्या करेगा, तो चार प्रकार से इसमें क्या करेगा अपनी कंडीशन है वो आपको बताएगा कि भी इसमें चार तरह की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार अपन क्या कह सकते हैं, आपका एक तो किसमें बदलेगा कि आपका जो द्रव है चार अवस्थाएं बनाएगा। अब देखिए चार अवस्थाएं किस तरह से देखने को मिलेगी, पहली तो आपकी किस कौन सी है, ठोस, पहली अवस्था आपकी कौन सी थी, ठोस, और दूसरी जो है वो किस में बदल गई आपकी, द्रव क्रिस्टल, दूसरी कौन सी अवस्था होगी, द्रव क्रिस्टल हो गई। तीसरी अवस्था की बात करें तो ये किस में है, स्वच्छ द्रव में बदला है तो अगली कंडीशन होगी इसके लिए द्रव। नेक्स्ट इसके लिए चौथी बात करें तो ये और ज्यादा इसको अपन क्या करते गर्म करते हैं उस ताप पर, तो ये किस में चेंज हो जाता है, आपकी गैस में चेंज हो जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि जो आविद द्रव आपका जो लिक्विड क्रिस्टल होगा उसमें जो द्रव की चार अवस्थाएं देखने को मिलेगी, जिसमें पहला आपका द्रव ठोस से होगा, फिर ठोस से किस में चेंज होगा, द्रव क्रिस्टल में, द्रव क्रिस्टल से किस में बदलेगा, द्रव में, और द्रव को अपन कुछ क्वथनांक पर क्या करते हैं गर्म करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, ये किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। ध्यान रखना है यहाँ पर तो अपन बात करें क्रांतिक ताप, क्रांतिक ताप, और यहाँ पर अपन बात करेंगे ये क्या आपका गलनांक हो गया, और यहाँ पर आपका बात करें तो ये क्या हो जाता है आपका क्वथनांक परिवर्तन, मतलब इस क्वथनांक पर क्या देखने को मिलेगा कि द्रव है वो गैस में आपका परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर अपन बात करें चार तरह की जो अवस्थाएं हैं वो इसमें आपको देखने को मिल रही है,
कि यहाँ पर ठोस है वो क्या हो रहा है, किसी संक्रमण ताप पर, संक्रमण ताप पर किसमें बदलेगा, द्रव क्रिस्टल में, और द्रव क्रिस्टल से फिर द्रव में, जिसको अपन ने गलनांक कहा था, और फिर इसमें क्वथनांक के उसमें गैस में चेंज हो जाता है, और यही रूप वापिस इनमें इस तरह से देखने को मिलेगी, वापिस एक दूसरे में इंटरचेंज भी है, इनके द्वारा क्या किया जा सकता है, आसानी से एक दूसरे के अंदर जो चेंज है वो इसमें संपन्न करा दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये तो अपन एक एग्जांपल लिया था कोलेस्टेरॉल बेंजोएट के अंदर, अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ और ऐसे एग्जांपल और उनके लिए उनका क्रांतिक ताप देखेंगे, और साथ में देखेंगे उनके लिए अपन कह देंगे बी उसके लिए जो गलनांक है वो कितना होता है, तो अपन उसके बारे में भी है अपन डिस्कस करेंगे। तो एक एग्जाम्पल तो अपने पास पहले से आ गया, और यही जो मेन एग्जाम के अंदर जो है वो इसी से रिलेटेड जो है सवाल पूछा जाएगा, बाकी देखिए किस किस में है तो अपन उसकी भी अपन यहाँ पर बात करते हैं। तो आपका यहाँ पर देखिए अपन जो है इससे रिलेटेड बात करते हैं, तो यहाँ पर तो हो जाता आपका पदार्थ, यहाँ पर लिख देते हैं उसके लिए संक्रमण ताप, और तीसरा लिख देते हैं इससे रिलेटेड इनका जो गलनांक है वो। अब इसमें बात करते हैं इसमें जो पहला एग्जांपल दे रखा डाइएथिल बेंजीडीन, क्या दे दिया डाइएथिल बेंजीडीन। देखिए मैं यहां पर इनकी फॉर्मूला है वो यूज नहीं ले रहा हूं, क्योंकि अपने को सिर्फ इनकी जनरल जो आपके संक्रमण ताप और गलनांक में वही देखने हैं। तो यहाँ पर इसके लिए आपका जो संक्रमण ताप है वो कितना प्राप्त होता है 115 डिग्री, और आपका जो गलनांक है वो 120 डिग्री मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए संक्रमण ताप से कुछ अधिक गलनांक देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर अपन बात करें ये यहाँ पर ठोस अवस्था में है, इस संक्रमण अवस्था में आवेश द्रव्य बदलता है, और इस गलनांक पर स्वच्छ द्रव्य में परिवर्तन हो जाता है, किसका डाइएथिल बेंजीडीन का। दूसरा एग्जांपल देखिए, ये है आपके पैरा बेंजोक्सी एनिसोल, अगला एग्जांपल है पैरा बेंजोक्सी एनिसोल, इसके लिए अपन देखिए बात करें तो यहां पर ये इसके लिए क्या होता है आपका क्रांतिक ताप होता है, और फिर बात करें 135 डिग्री ये इसके अंदर हो जाए। अब देखिए यहाँ पर अपन यहाँ पर दो चीजें देख रहे हैं, यहाँ पर ठोस है, यहाँ पर आवेश द्रव्य बदलेगा, और यहाँ पर स्वच्छ जो पैरा बेंजोक्सी एनिसोल है उसका निर्माण कर दिया जाता है। तीसरी इसमें बात करें तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल है आपका पैरा बेंजोक्सी फेनिटोल, यहां पर बात करें तो इसके लिए आपका संक्रमण ताप कितना है 137, और दूसरी चीज यहां पर बात करें इसका जो क्रांतिक ताप होगा तो क्रांतिक ताप है वो इससे कितने सेंटीग्रेड ज्यादा है, तो यहां पर क्या देखने को मिला है कि इसके लिए आपका ये संक्रमण ताप है और ये इसके लिए गलनांक प्राप्त होता है, वही कंडीशन एक आवेश द्रव्य है और एक जगह आपका स्वच्छ में चेंज हो जाता है। इसके अलावा बात करें फोर्थ एग्जांपल अपन बात करें एनिसेलडीन, एनिसेलडीन इसके लिए बात करें तो यहां पर भी जो आपके आपके ताप है वो लगभग इतना ही देखने को मिलता है कि 100 सेंटीग्रेड ताप पर आपका आवेश द्रव्य के अंदर 167 है आवेश द्रव्य है, और साथ में बात करें 180 डिग्री इसके लिए इसका आपका गलनांक होगा। फिर बात करें एक एग्जांपल और लास्ट, ये आपका पैरामेथॉक्सी
सिनेमिक अम्ल। तो यहाँ पर इसकी भी 170 डिग्री सेंटीग्रेड और आपका इसके लिए जो द्रव्यमान है वो 186 डिग्री आपके प्राप्त होता है। तो अपन ने देखा कि भी आपके जो लिक्विड क्रिस्टल है, लिक्विड क्रिस्टल के अंदर किस तरह से अवस्था देखने को मिलती है, संक्रमण ताप क्या होता है, मेसोमोर्फिक कंडीशन किस तरह से बनाई जाएगी और किस तरह से अलग अलग एग्जांपल के अंदर मेसोमोर्फिक कंडीशन है उसका जो एक्सप्लेनेशन है, जो आपकी इसमें जो व्याख्या है वो किस तरह से की जाती है। साथ में अपन ने इसमें जो चीज़ देखी है कि उसके अपन ने तो पहला जो सबसे प्रथम एग्जांपल था आपके कोलेस्टेरिल बेंजोएट, उसमें देखा कि अलग अलग अवस्थाओं पर वो क्या है, आवेद्रव्य है और आपका स्वच्छ द्रव्य है वो इसमें देखने को मिलता है, जहाँ पर अपन ने 145 डिग्री संक्रमण ताप बताया और गलनांक बताया 178 और ये कंडीशन आपको देखेंगे। इसी तरह से अपन ने कुछ ऐसे एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस किए, इनमें भी जो लिक्विड क्रिस्टल है वो क्या कर रहे हैं, जो मेसोमोर्फिक कंडीशन है वो प्रदर्शित कर रहे हैं और उनमें भी अपन यहाँ पर देखेंगे तो इनकी जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो इनमें स्ट्रक्चर में भी अपने को देखने को मिलेगा कि कहीं पर एस्टर बॉन्ड पाया जाएगा, कहीं पर आपको जो ईथर पाया जाएगा बॉन्ड, और कहीं पर आपको कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड और तीसरा कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड था वो देखने को मिलता है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके लिक्विड क्रिस्टल से रिलेटेड आज का जो अपना वीडियो, और आई होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके नोट्स बनाते रहें और इस वीडियो देखने लिए धन्यवाद।